नमस्कार दोस्तों, मैं अमिता आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल AKH अमिता में। आज मैं आपको क्रिस्पी आलू की भुजिया बनाना सिखाऊंगी, पर उससे पहले आप मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मैंने आलू की भुजिया बनाने के लिए 4 बड़े आलू लिए हैं और उन्हें लंबे आकार में काट लिए हैं। आप किसी भी आकार में इसे काट सकते हैं। इसके लिए मैंने मसाला लिया है, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, पचफोरन, काली मिर्च पाउडर, जीरा पाउडर, अदरक और लहसुन का पेस्ट और नमक। मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है और इसमें मैंने तेल डाल दिया है। तेल अब गर्म हो गया है और अब मैं इसमें डालूंगी पचफोरन। पचफोरन कैसे बनाते हैं इसका वीडियो मेरे चैनल पे है, इसका मैं लिंक दे दूंगी, आप वहां से इसे देख सकते हैं। इससे बहुत ही टेस्ट अच्छा आता है। अब मैंने इसमें आलू डाल दिया है। अब इसे हम चलाएंगे और अब इसमें हम डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट और इसे भी डालकर हम थोड़ी देर चलाएंगे। और अब इसमें हम डालेंगे हल्दी पाउडर, जीरा पाउडर, काली मिर्च पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और नमक। और अब हम इसे चलाएंगे और अब इसे हम बराबर से चलाते रहेंगे और थोड़ी देर चलाने के बाद इसे हम अब ढक देंगे और ढक कर 5 मिनट इसे हम पकाएंगे। अब 5 मिनट हो गया है, अब इसे मैं जो है फिर से चलाऊंगी और इसे एक बार फिर ढककर मैं और पकाऊंगी। और अब इसे हम खुला ही तेज आंच पर पकाएंगे और बराबर से चलाते रहेंगे ताकि अच्छे से आलू क्रिस्पी हो जाए। और ये देखिए, अब आलू मेरी अच्छे से भुज गई है और क्रिस्पी हो गई है। तो जो है अब इसे हम निकाल लेंगे। तो ये मेरी आलू की भुजिया तैयार है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक यू।